चंडीगढ़ से हूँ, लेकिन मुंबई मेरे को अच्छा लग रहा है यार। लोग दिखते रहते हैं यहाँ पे, मतलब ये एक लौता शहर है जहाँ मुझे सड़क पे खड़े हो के क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होता है। मैं एयरपोर्ट से निकली, मैंने गहरी सांस ली, मेरे मोबाइल पे नोटिफिकेशन आया, ऑक्सीजन लेवल्स ड्रॉप्ड इन मुंबई। मेरे दोस्त पूछे कि जब से तो आई तो खुल ही नहीं रही। मैं क्या जगह कहाँ है? परछाई तो अपनी पिछली जेब में लेके घूम रही हूँ मैं। मैं अंगड़ाई लेने के लिए खुली थी, ऑटो में बैठे अंकल के मुंह पे हाथ लगाया। बट स्टिल इट्स बेटर, स्टिल इट्स बेटर, क्योंकि मेरे मम्मी डैडी को ना नेचर से पता नहीं क्या ही प्यार है, घर भी जंगलों में ले लिया है। वो जैसे क्रिश में दादी नहीं ले जाती ऋतिक रोशन को, किसकी शक्तियों कोई गलत इस्तेमाल ना कर ले, हमें प्रॉपर्टी डीलर ले आया अपनी शक्तियों गलत इस्तेमाल करके। वहां कोई नहीं, और पापा इंप्रेसर के भाई साहब ये ग्रीनरी शहरों में कहा। मैं कहा आप मोगली हो? कहते धीरे बोल, लोग सुन ले। मेरे लोग कहाँ हैं यहाँ? वहां इतनी शांति, मेरे दिमाग में बैठे दो लोग बात कर रहे हैं, उनकी आवाज गूंज रही है। वहां कोई नहीं रहता, हमसे पहले एक परिवार रहता था। मैंने आंटी को नमस्ते बोली, आंटी ने नमस्ते का जवाब ऊ करके दिया। उनके घर का नंबर था 1-1। वहां सिचुएशन थी, उनके बच्चे अपने दादा को बताते थे कि हम एक नदी पार करके स्कूल जाते हैं। आपने पढ़ाई करी होगी कैंडल लाइट के नीचे, कभी जुगनू के नीचे पीरियोडिक टेबल रिवाइज करा? बच्चे बेचारे इनोसेंस में मुझे पूछ रहे, दीदी हमारे साथ हकीम हकीम खेल लो। मैं कहा डॉक्टर डॉक्टर होता है पागलों। हाँ आंटी ना एज अ नेबर हमें एडवाइस दे रही कि बहन जी यहाँ पे नॉन वेज बनाओगे ना तो ध्यान से बनाना। तो मम्मी कहती क्यों? कहते पिछले महीने हमने बनाया था तो इनके दादा निकले थे कि मैं कुत्ते को हड्डियाँ डाल आता हूँ, तो अब हम उनकी ढूंढ रहे हैं। पिछले हफ्ते पजामा मिला उनका, यहाँ शेर वेर दिख जाते, मेरा तो दिल ही बैठ गया। मैं कहा शेर छोड़ो, अब अगर मुझे दादा दिख गया तो? उसने पजामा नहीं पहन रखा, शेर के दिए हुए जख्म तो भर भी जाएंगे, ये सदमा कैसे भुलाऊंगी मैं? कुछ नहीं यार, मैं सारा दिन बैठ के गिलहरियां ऑब्जर्व करती रहती हूँ। देखिए आपने किससे भाग रही हैं? क्या हो गया? पहले मुझे लगता था खाने के पीछे भाग रही, खाना खड़े होके खाती हैं, नट्स वगैरह। हमारे वहां की गिलहरियों को देख के लगता है इनको दादा दिख गया कि ये कौन से नट्स हैं। पर अब हमारे वहां बहुत लोग आ गए, बड़ी कंस्ट्रक्शन होती है, मतलब अगर दीवारों के कान होते तो हमारी वाली बहरी हो चुकी है। सारा दिन ठक ठक ठर ठर। एक बारी हमारी गली से बारात जा रही थी, साथ वाले घर से हथौड़े की आवाज आ रही है, दूल्हे की मां बारी बरसी खटन, आंटी जोगिंदर फिटिंग्स एंड प्लम्बिंग्स पे नाच गई। आपने बॉब द बिल्डर देखा? आपके लिए कार्टून, हमारे लिए व्लॉग है वो। मैंने घर घर बहुत गलत किस्म का खेल है यार, मुझे बहुत देर बाद पता लगा घर घर में हस्बैंड वाइफ होते हैं, हम बिल्डर मजदूर बन के खेल गए। वहां मेरी फ्रेंड्स खेल रही, उनका पति आ रहा है, हनी आई एम होम, मेरा वाला आ रहा है, दिहाड़ी नहीं मिला है आज। मेरा भाई तो बहुत कैरेक्टर में चला गया था। हम समर वेकेशन के बाद स्कूल गए, ये सिर्फ बनियान पहन के बुक्स ऐसे करके लेके जा रहा। टीचर ने हाइट पूछी, कहता मैम 35 गज। ये कैरेक्टर से बाहर ही नहीं आ रहा, हम इसको इंटरनेशनल पिक्चरें दिखा रहे हैं, हम जिम कैरी की मूवी दिखा रहे हैं, दी मास्क आपने देखी ना? ऑफेंड हो गया, कहता क्या घटिया मूवी। मैं क्या क्यों? कहता मास्क पहने जा रहा, वेल्डिंग कर ही नहीं रहा। कहता इससे अच्छा तो मुगले आजम देख लेते। मैं समझ गई, मैं क्या उधर अनारकली दीवार में चिनवाएगी, तू तो स्टैंडिंग ओवेशन दे देगा। यही करता रहता सारा दिन। अभी आया हुआ मेरे साथ साइट सीइंग करने गया है, मेट्रो बन रही है ना। Thank you guys, that's been my time.